नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं द डिवाइन आवर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां उपस्थित हैं भागवत कथा के प्रसिद्ध वक्ता। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है, लेकिन इंडिया में ही नहीं अपितु लगभग विदेशों में भी आपकी बहुत लोकप्रियता है। स्पेशली जो यूथ है और जो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है वो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आप बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, अभी तक लगभग आपने शतक कथा का शतक यानी यूँ समझिए कि आप 100 के करीब कथा धर्म कथा आदि का वाचन कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा आदि के क्षेत्रों में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज हम सबके साथ बातचीत करेंगे, हम इनके साथ चर्चा करेंगे सनातन धर्म से संबंधित और सामाजिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आप पधारे, अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं कुछ बातचीत स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या कह के आपको आचार्य जी कह के संबोधित करूँ या श्री इंद्रेश जी या व्यास जी, आप कैसे कम्फर्ट महसूस करेंगे? तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो आपको भाई आप उस भाव से कहें। मैंने पूछा लेकिन मैं इनके बारे में बताता आपको, जहां इनके बारे में जो मैंने रिसर्च किया, चर्चाएं की, बहुत सारे लोग बताते हैं आप बहुत सहज हैं। वास्तविकता में आपकी सहजता, सरलता, और आपने कहा कि मैं इनको कैसे बुलाऊं, तो मुझे लगता है कि हम इन्हें आचार्य श्री कह के संबोधित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे चर्चा करेंगे महाराज जी। मेरा एक पहला सवाल आपसे है, आप श्रीमद् भागवत कथा के प्रसिद्ध वक्ता हैं, लगभग आप 100 के करीब कथा भागवत का वाचन कर चुके हैं। आपने पहली कथा द्वारिका जी में की, जो कि बड़ी ही अद्भुत और आई थिंक वो एक ऐतिहासिक कथा रही आपकी, आपकी एक मेमोरी जुड़ी हुई है उससे। लेकिन सनातन धर्म में कहते हैं ऐसे 4 वेद हैं, कई उपनिषद हैं, मुझे तो उपनिषदों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, 18 पुराण हैं, फिर श्रीमद् भागवत का ही चयन क्यों किया आपने? श्रीमद् भागवत के अलावा क्या अन्य ग्रंथ इतने प्रासंगिक नहीं हैं या इतने उनकी महिमा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवी देवताओं का विवरण है, श्रीमद् श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत, शिव पुराण या वाराह पुराण, अन्य पुराण हैं, ये इस विषय पे आप ही बताएंगे, लेकिन आपने श्रीमद् भागवत का ही चयन क्यों किया है, पहला सवाल आप इसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहली बात तो श्री वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने समस्त वेद पुराण आदियों का वाचन किया एवं उनका निर्माण किया, तो एक के बाद एक भी लिखते जा रहे थे। मानव कल्याण का ही उनके देह था कि मुझे मानव कल्याण करना है, तो जब भी लिखते जा रहे थे तो किसी अपनी कृति से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, तो फिर अगला पुराण लिख रहे थे। एक पुराण लिखा, फिर उनको लगा शायद कुछ रह गया, तो अगले पुराण में उसको लिखा। इस प्रकार उन्होंने 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, 4 वेद लिखे, पंचम वेद के रूप में महाभारत आदि ग्रंथों का भी निर्माण किया, लेकिन उनके हृदय को वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझ रहे थे। वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट अपने आप को खोज रहे थे कि मैं कहीं रह रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ अपनी कृतियों से। तब श्री नारद जी महाराज के आगमन से, और फिर वो पूरी कथा तो मैं क्या सुनाऊँ, नारद जी महाराज ने उनको इन्फ्लुएंस किया, तब जाकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि से एक ग्रंथ का निर्माण किया। बाकी ग्रंथों को तो चिंतन करके, चयन करके, गणेश जी के द्वारा स्वयं के भाव से लिखा, लेकिन श्रीमद् भागवत का वर्णन कैसे किया, बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में बैठे हैं और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो श्रीमद् भागवत निर्माण हो चुकी थी, कोई समाधिस्थ भाषा है। और जब श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ तो श्री वेदव्यास जी परिपूर्ण हो गए। एडमिट्स की श्रीमद् भागवत जी की रचना के बाद व्यास जी ने फिर कोई दूसरा पुराण नहीं लिखा? उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो आप अन्य पुराण पढ़िए, अन्य भागवत जी के बाद उन्होंने कोई अन्य पुराण नहीं लिखा, नहीं लिखा, वही अंतिम कृति थी। इसके बाद में बोले अब कुछ लिखना शेष, सारम सारम समद्वितम, मैंने सबका सार इसमें लिखा है। तो ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ये सब दही के रूप में है, उनका मंथन किया गया, तो फिर माखन के रूप में मानो आप श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य हुआ और वे प्रकट हुई हैं। तो ये सार है, इसमें सब विद्यमान है, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव महापुराण हो, ये जितने भी ग्रंथ श्री वेदव्यास जी ने लिखे हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत में है।
इसलिए सबको प्रणाम हो जाता है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो पेड़ की जड़ में पानी डालो, पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। तो ये जड़ है, मतलब आयु के ना हाथी के पांव के नीचे सबके पांव, तो ये हाथी का पांव। अच्छा अच्छा, आप यह तो समझ ही गए होंगे कि श्रीमद् भागवत जी की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है, या श्रीमद् भागवत की ही कथा इतनी ज्यादा क्यों होती है। क्योंकि जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा में सभी कथाएं आ जाती है। यूं कहें, अगर मैं कहूं तो मेरी बात में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का सार, जो आपने कहा एक क्रीम एक मक्खन, वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी कथा भारत जैसे प्रांतों में जहां सभी धर्मों को मतलब जहां सभी देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे यहां सूर्य की भी उपासना है, हमारे यहां देवी की भी उपासना है, हमारे यहां राम की भी उपासना है, यहां भी रिसेंटली महादेव की भी उपासना है, तो कहीं शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण या अन्य पुराण क्या, मतलब आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये उतने प्रासंगिक या उतने ठीक नहीं है, या उनका उतना महत्व नहीं है जितना श्रीमद् भागवत का है। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनका उतना महत्व नहीं है। सरदर्द क्रोसिन से भी ठीक हो जाता है और पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाता है, दोनों की अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन हम किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं बोल सकते। नहीं, आपने कहा ना कि व्यास जी को जो है संतुष्टि नहीं मिले, वो इनकंप्लीट फील कर रहे थे। वही बात बता रहा हूँ कि कोई एक कवि है, कोई एक लेखक है, वो अपनी कोई कृति कर रहा है तो हर बार वो कुछ ना कुछ अपने आप को अधूरा समझ रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में आगे परिपूर्ण अपने आप को समझा। जिस प्रकार की आप पूरे विश्व में भ्रमण किए, लेकिन एक जगह जाकर के आपको ऐसा लगा कि यार ये परिपूर्ण है, यहाँ आकर के मुझे लगा कि अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सब देश जो हैं उनकी महत्ता कम हो गई। वे सब भी अपनी अपनी गरिमावंत अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन जब मेरे पास में समय की कटौती हो और मेरे पास में उस सीमित समय में बहुत कुछ हासिल करने की जब इच्छा प्रकट हो जाए, तो श्रीमद् भागवत रूपी औषधि ही काम कर पाएगी। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं बता रहा, ये वेद व्यास जी ने स्वयं, आपने कहा ना इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए ना, जैसे आपको कभी अगर एक आप कभी शिव पुराण की कथा करेंगे या श्री राम कथा करेंगे, तो फिर मैं आपसे वहां कह सकता हूँ कि महाराज जी आप श्री राम कथा शिव पुराण क्यों करें, जब श्रीमद् भागवत ही सब कुछ है, श्रीमद् भागवत ही सार है, अब श्रीमद् भागवत ही कथा क्यों नहीं। देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अपनी तरफ से कोई दवाई लिख दे जी, जी, जी। कि ये लेनी, लेकिन पेशेंट पहले से ही जानता हो कि मुझे क्या क्या दवाइयाँ चाहिए, जी, वो कहे नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं 500 उसकी नहीं लूंगा, मैं तो 250 उसकी लूंगा, तो डॉक्टर को क्या जाता है, वो कहेगा आपको ये चाहिए तो यही ले लो। तो भाई यजमान की इच्छा होगी कि हमको राम कथा ही सुननी है, रामायण ही सुननी है, तुलसीकृत रामायण ही सुननी है, तो भाई वो भी ले लीजिए। हाँ, मतलब महाराज जी ने ये कहा, ये आचार्य जी ने, कि आप अपनी अपनी एक इच्छा है, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है हमारे सनातन धर्म में, जो कुछ भी है सबका अपना एक महत्व है, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत की हो, चाहे श्री राम कथा हो, हाँ अपना एक पसंद है, लेकिन पुराणों का सार श्रीमद् भागवत ही है। या ऐसा कहें पुराण सम्राट, एक गुरु के 40 शिष्य, सब एक ही कक्षा में पढ़े, एक ही गुरु से पढ़े, लेकिन मॉनिटर उनमें से एक ही बनेगा, सब नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है सबका मॉनिटर है, ये सबको मॉनिटाइज करता रहता है, जो सबके पास है, सबके पास अलग अलग विशेषताएं, लेकिन सबकी जो विशेषताएं वो एक ही जगह है, वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का आपसे बात करने से पहले मैंने थोड़ा श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया और जानकारी की कि जो पुराने समय में जो कथा होती थी, या जो भागवत की जो फर्स्ट कथा हुई, श्री सुखदेव जी ने जो कथा की, तो उस समय 24/7 कथा का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के परिवेश में आप 3 घंटे कथा करते हैं, या यूजुअली 3-4 घंटे की कथा होती है। अब एक जरा विचारणीय विषय यह है कि जब सुखदेव जी ने कथा की थी, उन्होंने 24/7 यानी लगातार 7 दिन तक वो कथा करते रहे, तब जाके कथा पूरी हुई, गलत है तो फिर आप इसको कैसे पूरा करते हैं, कैसे कथा पूरी कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो 24 घंटे कथा हुई उसका कारण और उसकी परिस्थिति यदि आप देखें तो वो अलग थी। हाँ, मतलब ये तो है ना कि उस समय जो कथा हुई 24 घंटे होती थी, वो मैं आपको उसके बारे में बताऊं। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने अपने पूज्य पिताजी महाराज से ग्रहण कर ली। जी जी जी। उसके बाद में जब परीक्षित जी को शाप लगा और उनके जीवन के केवल 7 ही दिन शेष बचे थे, तब उनको भगवत भक्ति दिलाने के लिए श्री शुकाचार्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया और वे 24 घंटे उनको कथा सुनाते थे।
क्योंकि दोनों के पास कोई कार्य तो था नहीं, बस कथा श्रवण करनी। और उस समय के लोगों में इतनी इम्यूनिटी भी थी, इतनी पावर भी थी कि वो 24 घंटे बैठ सके, वो 7 दिन तक अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर सके, अपने भोजन पर विजय प्राप्त कर। आज कलयुग में ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि चलिए वो परीक्षित के पास उसकी सिचुएशन अलग थी, वहां सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस कथा को कहा गया। अब हम वक्ता लोग वही परीक्षित के अकॉर्डिंग अगर आज कथा सुनाएंगे तो आज की परीक्षित की वो परिस्थिति है ही नहीं। उसको 7 दिन में मरना नहीं है, 7 दिन में उसकी मृत्यु का कारण नहीं है कि भाई 7 दिन में इसकी मृत्यु, हमको 7 दिन में इसको कथा सुना करके मुक्ति प्रदान करनी है, भगवत भक्ति प्रदान करनी है। आज की परीक्षित और कई सारे द्वंद्वों में है। तो इसका मतलब आप पूरी कथा नहीं करते हैं, जितना जो लगा आपने कथा किया, जितना जरूरी समझे आप अपनी कथा। भागवत की कथा का प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण है। यदि एक श्लोक पर भी मैं अपना संपूर्ण जीवन बोलता रहूं ना तो भी उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक कृष्ण स्वरूप है। और रही बात आप कह रहे थे कि 7 घंटे, वो 3 घंटे कथा 7 दिन होती है, तो कथा पूर्ण ना होने का कहीं अपराध ना लग जाए तो वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण भागवत में बैठते हैं जो कि 18,000 श्लोकों का संपूर्ण पाठ करते हैं, और संपूर्ण पाठ कथा में भी करते हैं, कथा से पूर्व भी करते हैं, ताकि 7 दिन की जो कथा का संकल्प हम ले रहे हैं वो हम पूर्ण कर सकें। तो कहीं भी किसी भी रूप में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कथा पूरी नहीं हुई। एक व्यास, व्यास केवल, व्यास का मतलब क्या, वेदान विस्तारयति विभाजयति या स व्यास, जो वेदों का विस्तारीकरण करे, वेदों का विभाजन करे, वो व्यास है। मैं व्यासपीठ से हट करके केवल एक पोथी रख करके बैठूं तो मैं पूरी पाठ करूंगा, लेकिन जब व्यासपीठ पर बैठा हूं तो मुझे एक श्लोक की व्याख्या करनी है। अगर मैं 18,000 श्लोकों पर कथा करने लग जाऊं और 7 ही दिन मेरे को दिए जाएं तो मैं श्लोक ही श्लोक गाता जाऊंगा तो भी 7 दिन में 18,000 श्लोक पूरे नहीं कर पाऊंगा। नहीं, लेकिन एक फॉर्मेट है ना कि 12 स्कंद है, 335 अध्याय, पूरी कथा संपूर्ण भाव है, उसका एक प्रोटोकॉल जो एक है, जो उसका एक प्रोटोकॉल ये है कि भाई ये पूरा आपके सामने मैटर है, अब इस मैटर में से आपको जो उचित लगे। मैं ऐसा नहीं है कि एक कथा में जो का अगली कथा में भी वही कह रहा हूँ। मैंने एक श्लोक की व्याख्या एक कथा में की, अगले श्लोक में मुझे लगा कि यहाँ के जनता को ये बात बतानी चाहिए तो मैंने उस भाव की वहां व्याख्या कर दी। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो साप्ताहिक क्रम है उसमें कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि 5 ब्राह्मण बैठ के संपूर्ण पाठ कर रहे हैं, वो एक एक श्लोक कह रहे हैं। मतलब आप यहाँ कथा कर रहे हैं और आपके साथ में या जो नीचे या अलग जो ब्राह्मण बैठे हैं वो उस फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट करते हैं, वो जो एक अनुष्ठान जो नियम है उसको पूरा करते हैं। ये आज का बनाया फॉर्मेट नहीं है, ये व्यास जी ने ही फॉर्मेट बनाया है कि व्यास जब कथा करेगा तो वो संपूर्ण भागवत की कथा। कलयुग में लोगों पे इतना समय नहीं है कि वो 18,000 नहीं, तो सुखदेव जी ने जब कथा की थी तब तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं था, सुखाचार्य जी ने जब कथा प्रारंभ की थी तब कलिकाल ऐसा नहीं था ना। आज के व्यक्ति को 5 मिनट सत्संग सुना दो आप, उसको 5 मिनट भी भारी पड़ेगा। 3 घंटे की कथा यूट्यूब पर डले 1,000 व्यूज, लेकिन वही 1 मिनट में आपने उसका सार डाल दिया रील के रूप में इंस्टाग्राम पे तो वो 12,000-13,000-24,000 1,00,000 तक पहुंच जाते हैं। तो आदमी को बहुत कम समय में ज्ञान चाहिए, बहुत आज के समय में यही भाव है कि जितना कम समय में आप उसको इन्फ्लुएंस कर सको वो कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे आपकी बातों से लग रहा है सोशल मांग यही है। वैसे आपकी बातों से लग रहा है सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। नहीं, मैं एक्टिव है और ये अच्छी बात है। खैर, मैं इसको अच्छा मानता हूं आज के डेट में। मानसिक रूप से सदैव नवीन रहना चाहिए, देहिक रूप से सदैव पुराना रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ और आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो पूछना था, क्योंकि भागवत कथा ज्यादातर सकाम कोई कामना से कहते हैं कि किसी कामना से अनुष्ठान होता वो पूर्ति होती है, लेकिन आपने कहा कि आचार्य जो ब्राह्मण आचार्य हैं वो उसको पूरा पाठ करते हैं, आप ऊपर बैठ के कथा कर रहे हैं। इट मीन्स अगर विचार किया जाए अगर एक दृष्टिकोण से तो जो ब्राह्मण पारायण कर रहा है वो श्रेष्ठ हुआ, जिन्होंने श्रेष्ठ हैं तो वो उस प्रोटोकॉल को वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भागवत का जो कॉन्सेप्ट है, जो कथा का जो पूरा जो कुछ भी एक मर्यादा है उन्होंने पूरा किया। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो जैसा आपका सम्मान है कहीं ना कहीं उतना सम्मान उनका भी होगा और वो रखते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो फिर कथा का जब सारी मर्यादा, सारे नियम, सारे प्रोटोकॉल, सारे फॉर्मेट जो एक है नियम उसको वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि फिर वो मैन फिर वो हुए।
आपने तो सिर्फ थोड़ा सा उसको व्याख्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने पूरे धर्म का पालन किया, फिर वो मुख्य वो आचार्य ब्राह्मण हुए। और जब अगर आचार्य ब्राह्मण मुख्य हुए तो फिर वो नीचे क्यों, साइड में क्यों है, उनको क्यों नहीं मुख्य रूप से सामने गद्दी पे बैठा के या एक प्रमुख रूप से क्यों नहीं उनसे फिर रखवाया जाता है, अगर कथा का जो एक प्रोटोकॉल है तो उसको क्यों नहीं आप मुख्य रूप से रख रहे हैं। CBSE बोर्ड की किताब को प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक लिखने वाला श्रेष्ठ है कि उसके सार को क्लास में आके जो टीचर सुना देता है वो श्रेष्ठ है। इट्स डिपेंड कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। देखिए अगर सकाम, आपने कहा ना कथा जो सकाम अनुष्ठान है, जो नियम है, और अगर नियम प्रोटोकॉल है तो जो प्रोटोकॉल कंप्लीट हो रहा है उसको मैं आपको थोड़ा सा कहूं कि भागवत सकाम अनुष्ठान है ऐसा कभी मत कहिएगा। ये बात अलग है कि आज की परिपेक्ष में लोग इस बात को कहते हैं कि हमको इसके निमित्त कथा करानी है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा किसी निमित्त नहीं होती है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जब किया गया ना, ये बात मैं अपनी कथा में, मुझे और वक्ताओं का नहीं पता, मैं अपनी कथा में इस बात को पूर्ण रूपेण कह करके चलता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा किसी कामना से नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से ही होनी चाहिए। क्योंकि कामना रखी थी परीक्षित ने कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो श्री शुकाचार्य जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया और सीधे बैठ गए उसको मुक्ति के बारे में बताने के लिए। जब उन्होंने कहा कि मेरे हृदय का अब अज्ञान दूर हो चुका है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल भक्ति चाहिए, मुझे केवल भगवत, मैं उनको जानना चाहता हूँ, तब श्री शुकाचार्य जी ने मंगलाचरण प्रारंभ किया कि अब तुम्हारे हृदय में कोई कामना नहीं, अब तुम कथा सुनोगे। तो जो कामना से कथा सुनते हैं ऐसा नहीं कल्याण उनका नहीं होता, होता है, लेकिन निष्काम अनुष्ठान ही है श्रीमद् भागवत। भागवत में संकल्प लीजिए, लेकिन उस संकल्प का ये देह है कि मैं व्यापार वृद्धि के लिए या इस कारण से मैं कथा करा रहा हूं, तो माफ कीजिएगा, श्रीमद् भागवत आपको किसी कामना की पूर्ति करने के लिए आप अन्य पुराणों का आश्रय ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण प्राप्ति कराता, यही उसकी कामना होनी चाहिए। ये मैं आज खुलकर के समस्त श्रोताओं के सामने भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी कामना से नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि ब्राह्मण जो आप कह रहे थे कि वे ब्राह्मण नीचे बैठते हैं, पांच ब्राह्मण बैठते हैं, पाठ करते हैं, ये कोई प्राचीन काल में मंच नहीं बनते थे, प्राचीन काल में पंडाल नहीं बनते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सामान्य पृथ्वी पर बैठ करके एक चौकी पर भागवत जी को विराजमान करके व्यास कहना शुरू कर देते, तो उसमें पांच ब्राह्मण बैठो, 11 ब्राह्मण बैठो, बैठ करके पाठ किया करते थे। तो ये प्रारंभ से ही भागवत में ही लिखा है, वर्णम पंच विप्राणाम, पांच ब्राह्मण बैठने चाहिए और वो बैठ करके भागवत जी का पाठ करेंगे, ये नियम है भागवत जी का, तो वो पहले से था। अब आज की व्यवस्थाएं इतनी हो गई है कि बढ़िया मंच बनता है, लाइव टेलीकास्ट है, तो एक अच्छा व्यासपीठ बन जाती है, उस पर व्यास जी बैठ जाते हैं, उनका थोड़ा सा सम्मान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वे श्लोकों का विस्तारीकरण कर रहे हैं, कुछ विस्तार से सुना रहे हैं, नहीं थोड़ा होना भी चाहिए, इससे थोड़ा अट्रैक्शन, थोड़ा लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन अपराध या भागवत जी का कोई कोई नियम प्रोटोकॉल हमने तोड़ दिया ऐसा उसमें नहीं है। आज के समाज में जो मांग है उस मांग के अनुसार कथा हो रही है। लेकिन विषय यही था कि हम इस विषय पे थे कि अगर भागवत किसी नियम से करें तो फिर जो ब्राह्मण पारायण कर रहे हैं उनकी श्रेष्ठता है, लेकिन अगर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम व्याख्या जान रहे हैं, तो फिर वहां व्यासपीठ सर्वोच्च है। आप इस बात को मान रहे हैं जी। वर्तमान परिवेश में भारतवर्ष में महिलाओं को लेकर के विभिन्न विचारधारा है, कई प्रकार की अवधारणाएं हैं। कुछ लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विचार रखते हैं, कुछ लोग नैरो, कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड रखते हैं, या एक अगर एक मैं सीधा सीधा सा पूछूं से तो हमने कहीं सुना है, मैंने खुद कहीं सुना किन्हीं की कथा में कि कहते हैं कि महिलाओं को विवाह से पूर्व पिता के अधीन रहना चाहिए और विवाह के पश्चात पति के अधीन रहना चाहिए, और जब थोड़ी वृद्धावस्था आए तो उनको पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये विचार जो आजकल लोग वक्ता कह रहे हैं, ये 21वीं सदी में जहां महिलाएं ओलंपिक में या टॉप एजुकेशन में या बिजनेस में, हर तरफ महिलाओं का अपना एक स्वरूप है, उनकी वजह से देश प्रगति कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको इस तरह की विचारधाराओं में बांध के रखें, क्या ये सही है? आप क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है इस पर? बहुत हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे देश को आगे ले जाने में आज यदि
उसका अंकलन किया जाए तो महिलाएं बहुत हैं, महिलाएं ही उसको आगे लेकर के जा रही हैं। लेकिन यदि शास्त्र अनुसार जो आप भाव कह रहे थे कि वो पिता के अधीन रहे फिर पति के अधीन, मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना शास्त्र अनुसार जो बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। छोटी सी बात कहकर के इस बात को पूर्ण करूंगा, रत्न को सदैव बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रत्न है, वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसको कहीं भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसको कोई कोई हरण ना कर ले या उसकी वैल्यू को ना समझ के कहीं उसका दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए रत्न को सदैव एक सिक्योरिटी में रखा जाता है, एक सिक्योर प्लेस में रखा जाता है और घर के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान में उसको रखा जाता है। महिलाएं जो हैं सब लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी साक्षात रत्न है, महिला रत्न स्वरूप है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए पिता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए पति है। पति का मतलब ही होता है रक्षक। किसकी रक्षा करेगा? पत्नी की रक्षा करे। पिता किसकी रक्षा करे? अपनी बेटी की रक्षा करे। नहीं तो क्या पत्नी पति की रक्षक नहीं हो सकती? स्वयं मैं आपको शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। आज नहीं, मैं आपके शास्त्र सम्मत और सामाजिक दोनों ही बात जानना आज चाहता। के अब वो बात अलग है कि हर बात का कटाक्ष तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, आप कर रहे हैं क्या शास्त्र में सामान्य रूप से कह रहा हूँ और इस बात में आपको सराहना करनी चाहिए कि वो एक रत्न है। अब रत्न हीरा है, हीरा मेरी रक्षा कर लेगा? हीरा हाँ, विषम परिस्थिति में जरूर रक्षा नहीं करेगा, लेकिन झांसी की रानी तो रक्षा करेगी आपकी। विषम परिस्थिति में हीरा मेरी रक्षा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसी से मेरा सब चलेगा। जी जी जी। लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि यदि मेरे अंडर में कोई रत्न है तो मैं उसको खूब संभाल के रखूं, उसकी खूब रक्षा करूं। मैं उस चीज में बिल्कुल, मेरी खुद की तीन बड़ी बहनें हैं और तीनों बड़ी बहनें उस लेवल पर हैं कि अच्छी अच्छी महिलाओं को भी होना चाहिए। मेरी माता जी पूरा घर चलाती हैं क्योंकि मैं और पिताजी व्यस्त रहते हैं। हमारी गौशाला, हमारा गेस्ट हाउस, हमारा घर, हमारे घर में जितने भी लोग, सबको पालन करता हमारी माता ही है। लेकिन फिर भी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को सदैव एक पुरुष को रक्षक की तरह ही उसका पालन करना चाहिए। और रक्षक होना मेरे मतलब में तो किसी भी प्रकार का कोई कोई अपराध तो है नहीं। अगर आप इस बात को इस रूप में कहते हैं कि वो भी तो रक्षक हो सकती है, इतनी कोमल होती है माताएं, इतना श्रेष्ठ औदा है उनका कि उनको हम रक्षक नहीं, उनको स्वामी ही बना करके रखे और वो स्वामी रहे, इसी में उनकी गरिमा है। नहीं, उनकी गरिमा है, लेकिन आप लोग तो उसको गलत रूप से आपने ये भी तो देखा है, झांसी की रानी जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को रखते हुए जो है देश की आजादी में इतना सब कुछ किया है। और कई सारे जिलों में तो विभिन्न महिलाएं जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करती हैं और पूरे जिले की कमान संभालती हैं। कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रही हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्र को संभाला। कई देशों में तो जो है महिलाएं राष्ट्रपति तक हैं। मतलब आप देखिए, शास्त्रोक्त आपने चर्चा की, लेकिन अगर आप वर्तमान में समय चर्चा करिए ना, कोई कहीं की राष्ट्रपति रही, प्रधानमंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, जो भी रही, वो अपने स्तर पर श्रेष्ठ रही है, लेकिन क्या उनके पति बेटे और पिता नहीं थे? पति बेटे पिता की बात आवे तो पति बेटे पिता को रक्षक ही बन के रहना चाहिए। पढ़िए आचार्य जी, तो पति बेटों ने सपोर्ट किया, पति बेटों ने कंट्रोल नहीं किया है, उनको अपने अधीन नहीं रखा है। आप ये विचारधारा यही परिवर्तित हो जाती है कि यहाँ पर लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल की तो बात ही नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि हमारे घर में तो माता जी ही सब कुछ संभालती हैं, कंट्रोल उनका है। वो कहती हैं यहाँ जाना है तो वहां जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उनके रक्षक बन के रहें। मैं कथा करने जाता हूँ, कथा करने के लिए गया तो दो लोग मेरी माता जी भेजती हैं क्या कि भाई भले ही वहां स्वामी मैं हूं लेकिन मेरी भी रक्षा के लिए दो लोग तो है ना कि भाई आपको कोई कोई सहयोग के लिए कुछ। उसी रूप में वो एक जैम है, वो एक रत्न है, उसकी रक्षा के लिए पिता को, पुत्र को और पति को दायित्व दिया गया है। वो कितनी भी श्रेष्ठ हो उस पर आप कभी अपनी कमान नहीं चला सकते, लेकिन उसकी रक्षा सदैव रहे। वो उस रूप में मैं उसको कहना चाह रहा हूं, मैं उसको ऑर्डरिंग रूप में नहीं कि भाई रक्षक कोई ऑर्डर थोड़ी करता है, रक्षक तो संभालता है। नहीं, मुझे आपको नहीं लगता कि महिलाओं पर ही ये चीज छोड़ देना चाहिए कि वो
नेतृत्व करेंगे या हीरे की तरह डायमंड की तरह घर में रहेंगे कैसे रहेंगे, ये उनका विषय होना चाहिए। आज के इस 21वीं सदी में ये महिलाओं को चयन करने का अपना एक अधिकार हो, बहु बेटियों को अपना एक अधिकार हो कि वो क्या करना चाह रही हैं, वो एक लीडर बन के या एक अधिकारी बन के वो जिले को संभालना चाह रही हैं या एक सक्षम डोमेस्टिक वाइफ इंजीनियर बन के वो घर को संभालना चाह रही हैं, ये उन पे छोड़ दिया जाए। इसको चयन करने के लिए आप पिता, बात बताएं, पति या पुत्र का अधिकार ना हो, आप इस हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का ये नियम है ही नहीं कि महिला अपना चयन खुद नहीं कर सकती। ये तो बीच में अन्य कई धर्म प्रकट हो गए जिनकी वजह से ये सब विचारधारा हम हिंदुओं के अंदर भी आ गई कि नहीं महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। आप 21वीं सदी की बात करते हैं, आज से लाखों वर्ष पहले सीता जी को अधिकार दिया गया अपना पति स्वयं चयन कीजिए, आप जिससे करना चाहे उससे ब्याह कीजिए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म तो ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब आज भी आप ये बात कह देंगे जिस जिनको जहां विवाह करना है वो करें? बिल्कुल, अगर उसकी रुचि है और वो उसको सीता जी के सामने जितने भी वर थे वो वर उनके पिताजी के द्वारा ही लाए गए थे, उसमें ये बात कहीं नहीं है कि सीता जी ने ऐसे ही किसी का वरण कर लिया, उसका वरण किया। हाँ, मतलब वो भी एक चीज है, ठीक है, मैं इस विषय पे नहीं। तो कहने की बात यह है कि हम उस विषय पे आए जो आपने मूल कहा, तो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कभी किसी महिला के ऊपर, आपको स्पष्ट कह दूं तो हमारे यहाँ तो घूंघट की भी प्रथा नहीं थी। ये जो घूंघट करना, पर्दा करना माताएं बहनें जो अपने बड़ों से करती हैं, ठीक है, सम्मान के रूप में सिर पर पल्लू रखें, लेकिन घूंघट का ये प्रथा हमारी थी ही नहीं। ये तो कुछ आक्रांता भारत पर जब आए तब उनसे रक्षार्थ हमारी बहु बेटियों को थोड़ा कहा गया, क्योंकि उस समय था ऐसी परिस्थिति, तो वही पता चली आई आज तक लोग घूंघट करते हैं। लेकिन हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आप एग्री कर रहे हैं कि महिलाओं को अपना अधिकार होना चाहिए, वो जो बनना चाहे, वो एथलीट बनना चाहे, वो अधिकारी बनना चाहे, वो बिजनेस में जाना चाहे, जहां जाना चाहे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपकी बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आचार्य, क्योंकि आपके लाखों समर्थक हैं जानने वाले हैं और उन महिलाओं को, क्योंकि देखिए आज के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, तो आप अगर इस बात का खुल के समर्थन करेंगे कि उन महिलाओं को उन बच्चियों को अधिकार मिले, वो जो बनना चाहे बनना, इट मीन्स वो अच्छा ही बनना चाहेंगे, कोई गलत तो कोई नहीं बनना चाहता है अपने अनुसार, तो उनको अपना एक अधिकार होना चाहिए। जो बनना चाहे वो बन सकती है। हिंदू वैदिक सनातन धर्म इसके लिए पूर्ण रूपेण से स्वतंत्रता देता है। माताएं बहनें पुरुषों से ज्यादा विवेकशील होती है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल, उनको विवेक पुरुषों से भी ज्यादा होता है कि हमें क्या करना है। बात दो रूपों में बट गई, महिलाओं को अपना अधिकार होना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी बात पर आऊं तो मैं फिर से वही कहूंगा कि पिता पुत्र और पति को रक्षक होना चाहिए। आप घूम फिर के उसी बात, मैं उसी बात पर आ जाऊंगा कि भाई महिलाएं अपने अधिकार से रहें, जो करना चाहे करें, लेकिन पिता को चाहिए कि जब तक बेटी उसके पास है वो रक्षक बने। रक्षक का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई बाउंड्रीज ही खड़ी करते रहें, रक्षक का मतलब ये है कि अपनी बहन बेटी और पत्नी, उसकी जो इच्छा है वो जैसे स्वतंत्रता से रहना चाहती है, उसमें उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी ना आवे, उसके लिए उसका सहायक बने। तो फिर कई जगह हम जो सुनते आए हैं, अक्सर चर्चाएं होती हैं, मुझे नहीं पता कि तुलसीदास जी ने किस कॉन्सेप्ट में किस लाइन में कहा, क्या सोच के कहा उन्होंने। एक लाइन है बोले ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ये जो लाइन है इसको आप कितना समर्थन करते हैं, क्या इस लाइन, इस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर। आचार्य जी मैं बहुत सारे विषयों पे आपसे चर्चा करूंगा लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस विषय के अधिकारी मैं केवल इसी बात को कह करके और फिर इस विषय पर ज्यादा ना कहेंगे। ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का अर्थ यहाँ सब चीजों में अलग अलग है। ढोल के लिए ताड़ना है कि पीटो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सबके लिए ही फिर वो ताड़ना का शब्द एक ही यूज करते हैं, लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़यत न तु लाड़यत। वहां पर लाड़ प्यार में ताड़ना का शब्द का प्रयोग किया। ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, ताड़ना भाई तुम ताड़ रहे हो, तुम देख रहे हो उसकी ओर। तो वहां पर माताओं के लिए जो शब्द ये ताड़ना का शब्द यूज किया गया वो इसीलिए किया गया कि सदैव हमारी दृष्टि उनकी रक्षा के रूप में
तत्पर रहे। तुलसीदास जी का ये भाव है वहां कहने का, लेकिन लोग उस बात को केवल एक ही रूप में ले जाते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ पे उस चीज के लिए कहा गया। ये लाइन जो मैंने पूछा, इसका एक बहुत बड़ा महत्व यही था कि कई बार जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, रामचरितमानस में ही लिखा है कि सकल ताड़ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, लेकिन आचार्य जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और मुझे लगता है आप सब भी इस बात से बिल्कुल समझ गए हों कि ताड़ने का मतलब यह नहीं है कि कुछ उनको उनको प्रताड़ित किया जाए या उन पे कंट्रोल किया जाए या उनको किसी प्रकार से डांटा जाए या कुछ भी कंट्रोल किया जाए, इसका मतलब है कि उनकी रक्षा की जाए। एक स्पेशली आजकल के यूथ में एक विचारधारा बना हुआ है, जो लोग MBA करके बिजनेस में जा रहे हैं या BTech करके इंजीनियरिंग आदि या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में है लोग, उनका मानना है या वो लोग सोचते हैं उनके लिए जिंदगी जो है वह यह है कि पहले अच्छी हायर एजुकेशन लें, उसके बाद अच्छी खासी जॉब करें, फिर एक प्रॉपर लाइफ सेटल हो जाए, अच्छा मकान हो, और उसके बाद जब यूं कहें कि 50 साल बीत जाए फिर हम धर्म अध्यात्म की तरफ जुड़ें, तब जाके हम भगवान के लिए या तीर्थों के लिए समय निकालें। आप इस बात से कितना सहमत हैं? स्वतंत्रता है मानसिक सबकी अपनी, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है हमारे शास्त्रानुसार भी, कि अपने कर्म को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं लोग और उसके बाद में बाकी की चीजों को देते हैं। यदि उस परिपेक्ष में ये बात है तो कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने कर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए, बिजनेस को, जॉब को प्रायोरिटीज दीजिए, भले ही कोई बात नहीं, जब समय मिले तब भक्ति भाव से अपना भजन कीजिए। लेकिन जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनका फिर वो करने वाला कर्म ही उनका फिर रूप बदल देता है, वो फिर उनको मानसिक सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और वैसे हमारे यहाँ यह कि भक्ति जो है ये बचपन का विषय नहीं है, ये बचपन का ही विषय है। बचपन से करते चलोगे तो बचपन में जाकर के आप उस उपलब्धि को प्राप्त कर लोगे जो आप 90 में भी नहीं प्राप्त कर पाओ। तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है कि अपना व्यक्ति अपने एजुकेशन के साथ साथ, अपनी वर्किंग लाइफ के साथ साथ, वो आध्यात्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी जुड़ा रहे? इसमें कोई बैलेंस, ठीक है, आजकल इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए सोचते हैं, यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में पहले बालकों को इसकी आवश्यकता नहीं होती थी कि वो बैलेंस करें कि हम धार्मिक कैसे बने, हम वो पहले होते ही थे, हर घर में आरती दिया होती थी, हर घर में पूजा होती थी, हर घर में कुछ ना कुछ शाम का एक कीर्तन का क्रम होता ही था। आजकल सब लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और मॉडर्न होने का मतलब ही वो लोग ये समझते हैं कि हम धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों को छोड़ना, ये हमारी मॉडर्निटी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, आप भी अपने बाल्यकाल में, आपने भी देखा होगा, मैंने भी अपने बाल्यकाल में देखा है कि हर घर में शाम का एक सत्र होता था, एक समय होता था कि उस समय हर घर से घंटी की आवाज़ आएगी, हर घर में कीर्तन चलेगा, हर घर में दिया बत्ती होगी, हर घर में, तो एक आध्यात्मिक परिपक्ष सब घर में होते थे। लेकिन आजकल वो लेश होते जा रहे हैं क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हमारा इतना ज़्यादा होता जा रहा है। तो आजकल के युवाओं को चाहिए कि धर्म को केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवत स्थान मत जाइए कि हम एग्जाम में पास हो जाए या हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये सब हम देखिए, ये सवाल आप इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक होता है या थोड़ा धर्म से जुड़ा रहता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी गहन होता है, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। यही बात है क्योंकि आजकल के आप देखेंगे जो भी लाइफ कोच हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं भगवदगीता को ऐड करते हैं, या यूं कहें कि भगवदगीता के माध्यम से अच्छे 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 खासे बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर जुड़े हुए हैं। तो कभी ना कभी हर आदमी डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, या अपने लाइफ में एक आध बार फेल्योर देखता है, तो उस टाइम पे वो कैसे स्पिरिचुअलिटी से खुद को कनेक्ट करके कैसे कनेक्ट कर सकते, क्योंकि सडनली मान लीजिए वो जब वो फंसा तब वो भगवान को याद करे या तब अध्यात्म की तरफ जाए तो तब तो उसको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो कैसे कनेक्टेड रहे ताकि ऐसे सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले? अध्यात्म एक औषधि है, औषधि भी नहीं कहेंगे, रसायन है, और वो रसायन ऐसा रसायन है जो आपकी इम्यूनिटी को सदैव बूस्टअप ही रखेगा। हमारी आत्मा का भोजन है आध्यात्म, हमारे शरीर के सुख के कारण अनेक हो सकते हैं, चाहे दुनिया की कितनी भी ऐशो आराम हो, कितने भी इंजॉयमेंट्स हो, वो हमारे शरीर के सुख के कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसका जो भोजन है, उसकी जो इम्यूनिटी बूस्टर, या कह दें कि उसकी जो वैक्सीन है, वो आध्यात्म।
आज के युवा इस बात को समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी, आज से 5000 वर्ष पहले एक युवा को डिप्रेशन हुआ था, महाभारत युद्ध के बीच में जाकर के उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तब उसको ये वैक्सीनेशन दी गई थी और ये 18 अध्यायों में वैक्सीन उसको 18 डोज लगी थी और जैसे ही उसको ये वैक्सीन मिली है उसके बाद में वैक्सीन का कमाल देखो आप। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। कहां पांडवों की सेना ऐसी थी कि कौरव एक दिन में उसको परास्त कर सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण के गाइडेंस के थ्रू उसने उस युद्ध को जीत लिया। अब उसको युद्ध ना लेकर के अपनी परिस्थिति, आज की हमारी जो परिस्थिति वो युद्ध ही है, परिस्थितियां ही युद्ध है। हाँ, हमारी परिस्थितियां ही युद्ध है। हम सब अर्जुन हैं, हम सबके जीवन में महाभारत चल रही है, आपके जीवन में अलग चल रही होगी, मेरे जीवन में अलग चल रही है, कैमरामैन भैया के जीवन में अलग चल रही है, गौरा प्रोडक्शन में अलग चल रही है, भक्ति पथ में अलग चल रही है, सबकी अपनी अपनी महाभारतें चल रही है। अर्जुन तो है, रथ भी है, कृष्ण का होना जरूरी है। कृष्ण जब आएंगे, कृष्ण जब आएंगे मतलब अध्यात्म जब आएगा, श्रीमद् भागवत जब आएगी, श्रीमद् भगवत गीता जब आएगी, श्री राधा रमन लाल जब पधारेंगे तब उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। आज भी ये वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, ये भगवत गीता का, ये सारी चीजें जो है, तो ये वैक्सीनेशन जरूरी है, हमारी आत्मा के लिए जरूरी है, उसको बूस्टअप करने के लिए। अब आप वैक्सीन, वो पोलियो की दवाई बचपन में ही लग जाती है ना, कहीं हम लूले लंगड़े ना हो जाएं। बचपन से ही वैक्सीन नहीं लगाई होगी भक्ति की तो फिर बचपन में जाके लगवाओगे तो अपंग तो हो ही गए ना आप, तब लगा करके क्या फायदा। इसलिए युवाओं को ये वैक्सीनेशन अभी ले लेना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि क्या है ना, महाराज जी धर्म अध्यात्म की तरफ जुड़ा रहता है तो थोड़ा सा एक संस्कार भी, वो एक कहते हैं ना वैल्यू एथिक्स, वो इस चीज का ज्ञान भी होता है। बिल्कुल। प्रश्न एक और हो सकता है कि युवा क्यों नहीं जुड़ता अध्यात्म, क्योंकि आज का युवा बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे धर्म का व्याख्यान करने वाले उतने प्रैक्टिकल नहीं है, उतने प्रैक्टिकली उनको बता नहीं पाते, जिसकी वजह से युवान थोड़ा सा भटक जाता है। उसको एक एक चीज प्रैक्टिकली समझनी है, होलिका में लकड़ी लगा करके दहन क्यों किया, क्यों पेड़ काट दिया, शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाया। चलिए ये तो बहुत पुराने प्रश्न हो गए, सी बात है, ये सब चीजों को ये, मतलब ये सब चीजें बहुत पुरानी हो गई, ये सब प्रश्न बहुत पुराने हो गए, और भी कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आज के युवाओं को प्रैक्टिकली दिए जाएं, विशेष रूप से भागवत के मंचों से, तो आज का युवा क्यों नहीं जुड़ेगा। आज का युवा नास्तिक नहीं है, वो बस ये कि वो प्रैक्टिकली धार्मिक बनना चाहता है, आखिर पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें क्या है, वो प्रैक्टिकली धार्मिक बनना चाहता है। प्रैक्टिकली बिल्कुल आवश्यक है ना, क्योंकि मतलब अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास भी नहीं कहेंगे, वो प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहता कि मेरे दादाजी ने की, मेरे पिताजी ने की तो मैं भी करूंगा, वो प्रैक्टिस के रूप में नहीं करना चाहता, वो जानना चाहता है इसके पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों करूं ऐसा, वो रीजन बता दीजिए। आज का युवा पुराने लोगों से ज्यादा धार्मिक है, बिल्कुल उस रूप में उसको, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आजकल अगर आप देखें तो कृष्ण भक्ति में भारत से कहीं ज्यादा जो वेस्टर्न कल्चर में जो जितने युवा बंधु हैं वो लोग भी इस भक्ति भाव में बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है अगर उनको प्रैक्टिकली बताया जाए तो इन चीजों को मानते हैं, जुड़ते हैं। मैं आगे बढ़ूं आपसे, आपने बचपन में बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, इंग्लिश की एजुकेशन ली है और आप काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया भी हैंडल करते हैं, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त की है, फिर आप आध्यात्मिक जगत की तरफ आ गए और आज एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल हेड हैं, अच्छे भागवत वक्ता हैं। अगर आप कथावाचक नहीं होते तो क्या मतलब बनना पसंद करते, कोई चीज़ें जो आपको, अगर आप सपोज एट मान लीजिए कि आप भागवत वक्ता नहीं होते तो क्या होते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पत्नी का एक नियम होता है, नहीं आज ना, अब आप आ गए जी, मैं एक तरीके से आ रहा हूं। पत्नी का एक नियम होता है कि वो एक का ही वरण करती है, उसके अतिरिक्त यदि किसी की विचारधारा भी उसके हृदय में आ जाए तो उसका पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो एक रूप में तो मैं कहूं तो मेरे जीवन में अब मेरे हृदय में कोई ऐसी भावना भी नहीं, कोई ऐसी इच्छा भी नहीं कि मैं कुछ और होता या मेरे मन में, लेकिन हाँ ये है कि मैं जब स्कूल में था, छोटा था, इतना विवेकी नहीं था कि मुझे जीवन में क्या करना है, उस समय मेरे मन में दो रास्ते होते थे,
पहला रास्ता होता था कि मैं एक पढ़ लिख के पायलट बन जाऊंगा, और दूसरा मेरे को कभी कभी मैं गाता था तो सब लोग सुन के खुश होते थे, तो मेरे को लगता था कि मैं गायक बन सकता हूँ। तो गायक बनने की मेरी इच्छा थी। तो अगर भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान ने मेरा वरण नहीं किया होता, श्री राधारमन लाल जी ने मुझसे ब्याह नहीं किया होता, तो शायद मैं या तो गायक के रूप में कहीं छोटे मोटे गीत गा रहा होता, और अगर थोड़ा पढ़ लिख लेता तो शायद मैं पायलट के रूप में कहीं दिख रहा हूँ। खैर, सिंगर तो आज भी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत सारी भजनें हैं, मतलब आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो मतलब कभी ये चीज़ चुभती है अंदर की पायलट, या कभी आप फ्लाइट से जा रहे हो तो मन करता होगा कि अंदर जाके थोड़ा देखें कैसे क्या चल रहा है, कभी ऐसा कभी मन में आता है? जब फ्लाइट में जाते हैं और जब टर्बुलेंस होता है तो सोचते हैं कि हम पायलट नहीं बने तो अच्छा है, और जब सिंगर्स को गाते हुए देखते हैं और कुछ महीने बाद उस सिंगर को बीट करके दूसरा सिंगर आ जाता है सबकी नजरों में, तो सोचते हैं कि हम सिंगर नहीं बने तो अच्छा है। तो रही बात गायकी की, मेरे नाना जी ने मुझको कहा कि लाला तू वहां गा करके जनता को प्रसन्न करेगा, यहाँ गा करके पूरे विश्व के कर्णधार को प्रसन्न करेगा, उसमें ज्यादा सुख मिलेगा। और वास्तव में मन में कभी इच्छा भी प्रकट नहीं होती, कभी गंध भी नहीं आती कि मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा बन जाता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने प्रोफेशन से, अपने जीवन से। तो मतलब आपके साथ के जो मित्र रहे होंगे, कोई अभी कुछ लोग कोई बिजनेस में होंगे, कोई बाहर सेटल है, तो उन सबके साथ कैसा आपका रिलेशन है? क्या मेरा मतलब, अब एक वक्ता के रूप में उनसे मिलते हैं या वही फ्रेंडली जैसे नॉर्मल लाइफ कैजुअल लाइफ है, क्या है? मेरा थोड़ा सा इस चीज़ में मैं थोड़ा सा पिछड़ गया कि मेरे मित्र बहुत कम हैं स्कूल के, क्योंकि मैं स्कूल गया 9वीं क्लास तक मैं रेगुलर गया, और उसके बाद जब बिल्कुल याराना वाली यारी हो जाती है तब मैं स्कूल छोड़ चुका था, मैं प्राइवेट में चला गया था। तो मेरे हैं एक दो मित्र हैं, वो लोग भी सम्मान से ही मेरे से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो मेरे पैर और छूते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरे मित्र बहुत कम हैं, मैं ज़्यादा मित्रता नहीं है मेरी। ठीक है, अब मेरी मित्रता है, कथा जगत में कई मित्र हैं मेरे, वो सब हैं, लेकिन स्कूल के ज़्यादा मित्र मेरे नहीं हैं। आपके पूज्य पिताश्री आपके गुरु भी हैं जैसा कि मुझे जानकारी हुई, और वह एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, लगभग 4 दशक से वो कथा क्षेत्र में हैं और काफ़ी प्रसिद्धि है उनकी। अक्सर एक सवाल चर्चाएं होती रहती हैं कि आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, आपके पूज्य पिताजी से प्राप्त हुआ है, आपके पिताजी के जरिए, या यूं कहें कि आपको विरासत में भागवत मिला है, बहुत लोगों को विरासत में जमीन जायदाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन आपको विरासत में भागवत मिला है, आपको एक पूरा सिस्टम, एक पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रोटोकॉल सब कुछ बना हुआ मिल गया है, एक कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति को जो स्ट्रगल देखना चाहिए, जो संघर्ष देखना चाहिए, और जो व्यक्ति स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा है, सब कुछ पिताजी ने बना बना के दे दिया, आपके कथाओं में भी आपके साथ से आपका ध्यान रखने के लिए, आपका कार्य करने के लिए, आपके ट्रस्टों का सारा मैनेजमेंट संभालने के लिए आपके ही इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आप जन्म लिए और आगे बढ़ रहे हैं तब से सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं, सब कुछ एक सेटअप है, इस चीज़ को कितना सही मानते हैं, क्या ये पूरी तरीके से सही है या आपका भी अपना एक संघर्ष है? मेरा बिल्कुल सत्य है कि मैं I'm enjoying my life. I'm not doing anything and I'm just sitting and doing Srimad Bhagavad Katha. और मैं बहुत enjoy करता हूँ, और ये मैं अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का अपना की हुई तपस्या भोग रहा हूँ कि मुझे सब कुछ बना बनाया मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि संघर्ष, मैं अपने गुरुदेव से कभी कभी ऐसा कहा करता था कि जो मुझे अध्ययन कराते थे कि गुरुजी लोग सोचते होंगे कि इसने तो कुछ किया नहीं, सब इसको मिल गया, तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था कि मैं संघर्ष कर पाऊंगा क्या, या मैं संघर्ष देखूंगा कि मुझे सब अपने आप ही ऐसे मिलता रहेगा। तो मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति, बनाई गई संपत्ति को संभालना, सवारना, उसको सजोना, ये भी एक संघर्ष है कि आपको एक संपत्ति मिल गई, अब आप उसका निर्वहन कैसे कर रहे हो, उसको संभाल कैसे रहे हो, वो भी एक संघर्ष है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, लेकिन वो रचना
प्रसारित और प्रचारित किसने की? श्री शुकाचार्य जी ने, उनके पुत्र ने। लोग यहाँ पर भी प्रश्न कर सकते हैं कि भागवत जी लिख तो वेद व्यास जी ने दी थी, परीक्षित जी को तो मेहनत करनी, सुखदेव जी को तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, वहां पर भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ठीक है, रचना वेद व्यास जी ने कर दी, लेकिन उस श्रीमद भागवत को प्राप्त करके अपने पिता की संपत्ति के रूप में शुकाचार्य जी ने उसका प्रचार प्रसार कितना किया। यहाँ एक पुत्र धर्म निर्वहन हुआ है और वहां उन्होंने संघर्ष भी किया है। मेरा संघर्ष उतना ही है कि मैं अपने पिता के द्वारा बनाए गए भागवत जगत को और विस्तृत करूं, मेरा संघर्ष वही है। नहीं, वैसे मैं इस बात में, मुझे भी लगता है कि अगर आप अपने पिता के द्वारा प्रदान की गई चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें कुछ यह नहीं, अपना अपना परसेप्शन है, हम इसे कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं, ये व्यक्ति का अपना, कोई भी हम या आप कोई भी ये तय करके नहीं आते कि कौन किस जगह जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किसके घर में लेगा, अच्छी जगह लेगा, गरीबी मिलेगा, मिल मिलेगा, वो ईश्वर निर्धारित करते हैं। हाँ, यह है कि आप उस पिता के द्वारा दी गई चीज़ों को आप कितना आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं आगे आपसे और चर्चा करूँ, लेकिन हमारा एक सवाल है आपसे। मैंने आपकी कई वीडियोज़ देखी, कई जगह देखा कि आप बहुत सहज हैं, स्पेशली संतों के प्रति, धर्माचार्यों के प्रति आपका प्रणाम करने की जो भावना है, जो आपकी फीलिंग्स है, ईश्वर के प्रति, महात्माओं के प्रति बहुत सहजता है, हमेशा ही आपको मुस्कुराते हुए देखा है, प्यार से देखा है, प्रणाम करते हुए देखा है। इसके इतर कभी गुस्सा, क्रोध, कभी चीज़ें, कभी ऐसा आया हो कि मतलब एक गुस्सा आ गया हो कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, कभी आता है गुस्सा? हाँ, आता है और आना भी चाहिए, लेकिन हमने देखा नहीं कभी, मतलब ऐसे ना दिखे तो ही अच्छा है। क्रोध श्रीमन नारायण को कभी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो प्रलय हो जाती है। तो भागवत वक्ता होने के नाते दो प्रकार का जीवन है मेरा, एक तो है सामाजिक और एक है प्राइवेट, जो मैं अपने लिए जीता हूँ। तो सामाजिक, जो मैं अपने सब कथा जगत में होता हूँ, और मैं अलग एक उसको मैं कहता हूँ इंद्रेश उपाध्याय, वो इंद्रेश उपाध्याय है, ये केवल इंद्रेश साधारण जो अपना निजी जीवन जीता होनी भी चाहिए। हाँ, तो निजी जीवन जो इंद्रेश जीता है, अपने निजी जीवन में अपनी कुछ व्यवस्थाओं के प्रति क्रोध करता भी है और होना भी चाहिए। भगवान शिव ने कहा है कि क्रोध होना चाहिए, घट का द्वयम, दो घड़ी का गुस्सा होना चाहिए, वो श्रेष्ठ गुस्सा है। तो आता है क्रोध, और ये एक ह्यूमन, ये ह्यूमन चीज है, लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हैं क्रोध कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, इसमें मैं आपका एक संक्षिप्त में आपका एक जवाब चाहूंगा। मतलब एक नॉर्मली लाइफ में लोगों को कितना क्रोध करना चाहिए, है मैं उसके थ्रू ही कह देता, लेकिन मेरे को वो स्मरण में नहीं आ रहा है। उसमें तीन प्रकार का क्रोध बताया, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उसमें अधम क्रोध बताया गया, जो एक बार किसी से गुस्सा होकर के और बहुत वर्षों तक उसी बात को लेकर के और गुस्सा रहता है, वो एक अधम क्रोधी माना गया। मध्यम क्रोधी कौन है? बोले घटिका द्वयम, एक बार गुस्सा होने के बाद में और फिर दो घड़ी तक गुस्सा रहता है, दो घड़ी के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है, कितनी भी बड़ी बात हो उस बात को भुला देता है, एक मध्यम व्यक्ति। और श्रेष्ठ क्रोध किसको कहा गया? बोले जिस प्रकार दूध उफनता है, ऊपर आता है, लेकिन फूंक मार दो तो स्वतः ही नीचे चला जाता है, तो वो एक क्रोध अच्छा है। कि जैसे कि आप क्रोध आया, लेकिन तभी आपको किसी ने पुचकार दिया, किसी ने संभाल लिया, किसी ने सहला दिया, तो तुरंत आपका क्रोध शांत हो गया। क्रोध आवश्यक भी है और इसको कंट्रोल में भी रखा जाए तो एक नॉर्मली लाइफ पीरियड ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बेकार है, विनम्रता की भी अति बेकार, विनम्रता की भी अति बेकार, तो क्रोध होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, आप अपने श्री ठाकुर जी की, जिन्हें आप श्री गिरधर लाल जी के नाम से भी आप पुकारते हैं या उनका नाम लेते हैं, सम्मान करते हैं, उनके प्रति आपकी भावना बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा देखी गई है, चाहे कथाओं में, चाहे आपकी डे टू डे की लाइफ में, उनकी प्राप्ति कैसे हुई आपको, उनके प्रति इतनी ज़्यादा भावना कैसे, मतलब थोड़ा सा आप इस बारे में ज़रा। एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री चतुर्भुजदास जी, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, मैंने सेवा करते हुए वो समाज के सामने प्रस्तुत किया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो
उस पद का गायन करने का एक भाव बताया गया कि उस पद के निरंतर गायन करने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। तो जब वो गाया मैंने, तो उसके बाद इतने लोगों को पसंद आया, इतने लोगों ने सुना, मैं भी उसको सुनता था, गाता था, तो मेरे को मन में लगता था ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी। तब मैं एक बार नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए पहली बार नाथ द्वारा गया था और श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहा था। वहाँ खड़े होकर के किसी एक ने कही, अरे आपने वो पद गाया ना गोवर्धन वासी सांवरे, बोले हाँ, दो लाइन सुना दो ठाकुर जी को। तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, सुनवे को मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए। ये पद में गा करके थोड़ा सा भाव विह्वल हो गया कि ठाकुर जी आप ब्रज छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, राजस्थान में क्यों बैठे, चलिए हमारे साथ ब्रज में रहिए, वहीं गोवर्धन में विराजिए। ऐसा भाव मन में उत्पन्न हुआ। फिर मैं वहाँ से वापस वृंदावन की ओर प्रस्थान करने के लिए मंदिर से निकला, तो एक दुकान के आगे से निकला, वो मेरी कथा सुन रहे थे दुकान पर। तो जैसे ही मैं निकला, मैंने अपनी आवाज़ सुनी तो मैं रुक गया, मैंने कि मेरी कथा कौन सुन रहा है। तो वो एक मूर्तिकार थे, ठाकुर जी का सुंदर विग्रह बना रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तभी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, महाराज जी मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आपकी पहले कथा से मैं कथा सुन रहा हूँ और फिर बहुत बातचीत हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा आपसे क्या लेंगे हम, बोले नहीं आप दो मिनट दीजिए। फिर वो अंदर से लाल कपड़े में लपेट करके और एक प्लास्टिक के डिब्बे में लेके आए उपहार, बोले आप इस उपहार को देखने से पहले वचन दीजिए कि आप इनको अपने पास ही रखेंगे, अपने मित्रवत रखेंगे, ब्रज में ही रखेंगे, सदैव आप इनकी सेवा से कभी वंचित नहीं रहेंगे, इनको अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा पहले देखूं तो सही है कौन, बोले नहीं देखेंगे बाद में, पहले वचन दीजिए। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने वो लाल कपड़ा खोला तो उसमें श्री गिरधर लाल जी। मेरे मन में कदापि भाव नहीं आया इन्होंने मुझे दिया या कुछ। मैंने कहा मैं अभी अभी कह के आया ना कि ब्रज चलो, उसी रूप में ठाकुर जी। फिर मुझे ना तो श्रृंगार का इतना कुछ पता था, हम लोग रामानुजी संप्रदाय और पुष्टि संप्रदाय से सेवा होती है ठाकुर जी की, मैं सब संप्रदायों को भूल गया और ठाकुर जी को घर में ला करके उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। अनुभव खूब होते हैं उनके और वो ही मेरे अब कर्णधार हैं, ऐसे गिरधर लाल जी पधारे। तो मतलब आपका बहुत सारा समय नित्य दिन प्रतिदिन के उसमें, हाँ, सेवा भाव में, मतलब जहां भी जाते हैं आप श्री गिरधर लाल जी को प्रयास करते हैं कि जहां भी जाऊं तो वे साथ रहते हैं। और ये क्योंकि वो उनका श्रृंगार कोई और कर नहीं पाता, वो इतना छोटा स्वरूप है लाल जी का कि मेरे हाथों में ही उनका श्रृंगार बैठा है, तो फिर कोई और सेवा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे सब जगह ले जाना पड़ता है उनको। जिस दिन कोई सेवक अच्छा ठाकुर जी और कोई निर्माण उनको जिस दिन लगेगा कि अब इंद्रेश की सेवा से मैं इतना प्रसन्न नहीं हूँ, तो उस दिन से ठाकुर जी आप दर्शन कर भी रहे होंगे आज पूज्य आचार्य श्री के, श्री गिरधर लाल जी के ये दिव्य स्वरूप को और उनके भव्य स्वरूप को, श्री ठाकुर जी का निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ईश्वर के प्रति एक भावना भी होनी चाहिए और आप आचार्य श्री का भाव भी है बहुत अच्छा श्री गिरधर लाल जी का, आप भी दर्शन करें। लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। अगर महाराज जी गिरधर लाल जी की सेवा के अलावा अगर कोई और सेवा आपको कभी मिले किसी जीव जंतु की किन्हीं चीजों का, तो आप किन की सपोज सेवा किन्हीं सेवा किन में आप थोड़ा सा मैंने भक्तिपथ संस्था मेरी मैंने निर्माण की थी, क्योंकि भागवत के द्वारा हम लोगों को भक्ति के पथ पर ही ले चल रहे हैं, तो इसलिए भक्तिपथ। तो भक्तिपथ गौकुलम करके हमारी गौशाला है जहाँ पर गिरधर लाल जी की गायों की सेवा होती है, और गौ सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, वही माँ है हमारी, वही पृथ्वी का आधार है, तो उनकी सेवा भी हमारे द्वारा। तो क्या संकल्प है गौशाला को किस प्रकार से, मतलब आप गौशाला के द्वारा कई सारे युवान जैसा आप जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बस गौशाला के द्वारा मेरा यही भाव है कि वहाँ जो गाय हैं उन गायों के सेवा का भाव प्रकट हो। दूसरा एक और चीज़, मैंने भक्तिपथ उद्योग भी मेरा एक जयपुर में एक छोटा सा कार्य है जिसमें हम धूप बत्ती अगरबत्ती आदि इन सब प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो उनमें हम गाय के गोबर का ही प्रयोग करके उन सब वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इसलिए गौशाला के द्वारा हमारे गौधन का
संवर्धन हो, यही एक संकल्प है। हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है या हमने सुना भी है, कहते हैं गौ उसकी सेवा मात्र से या गौ से संबंधित सामग्रियों का प्रयोग करने से परिवार में एक शांति समृद्धि या एक प्रकार से कहें कि जो नेगेटिव ऊर्जा है ये सब दूर होती है। किसी को कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी समस्याएं हैं, कुछ ज्योतिषीय समस्याएं भी, तो ये आप मानते हैं कि गौ सेवा, अगर आज की डेट में कोई अगर ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हो तो गौ सेवा करे तो उसको उस चीज का लाभ मिलेगा? निश्चित ही, क्योंकि आप कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं तो आपको देवी देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, लेकिन गाय की सेवा में 33 करोड़ देवता स्वयं हैं, आवाहन करना नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार गौशाला में किया गया। गर्गाचार्य जी बोले गौशाला में नामकरण होगा तो 33 करोड़ देवी देवता लाला को नाम सुनेंगे और पूरे विश्व में लाला को नाम छा जाएगा। और वही हुआ, ठाकुर जी का नामकरण गौशाला में हुआ। कृष्ण नाम से कौन अवगत नहीं है, पूरे विश्व में ठाकुर जी का नाम विस्तृत है। तो गाय केवल एक पशु नहीं है, एक जीव नहीं है, वो साक्षात देव है, वो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। इसलिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। आप जो लोग भी ये देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन रहेगा, जब भी आप श्री वृंदावन आए या यहाँ दर्शनार्थ आए तो एक बार आप जरूर गौशाला विजिट करें, देखें, दर्शन करें। निश्चित रूप से आपकी जो भक्तिपद गौशाला है जहाँ आपका सेवा का कार्य चल रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। एक सवाल आपके चाहने वालों का है आपसे, आपके जो प्रशंसक हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं। स्पेशली ये सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। आगे का क्या विचार है आपका, क्या प्लान है, मतलब ये आपके यूं कहें दांपत्य जीवन के लिए या आगे क्या, कैसे सामाजिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए? आपने कहा भक्तिपथ उद्योग भी, भक्तिपथ गौशाला भी, फिर कैसे ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ कैसे हैंडल करेंगे, क्या प्लान है, मतलब आपका क्या विचार रख रहे हैं? जा भाव से सांवरो रीझे सो ही भाव धरेंगे। ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी, जैसा हमारे लाल जी चाहेंगे कि भाई, वो कहेंगे सिंगल बन के सेवा करो, सिंगल बन के करेंगे, वो कहेंगे युगल हो जाओ तो युगल हो जाएंगे, इसके अतिरिक्त अब कुछ मत पूछो। नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि अब आप जो है युगल होके ही सेवा करें। इस कन्वर्सेशन को हम एंड करें, लेकिन उससे पहले एक जो गौरव प्रोडक्शन के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन है द डिवाइन आवर, इसमें लास्ट का हमारे कॉन्सेप्ट है रैपिड फायर क्वेश्चन का, जहां हम चाहेंगे कि आप बस जल्दी से जल्दी, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से कोई एक आपको ऑप्शन चूज करना है और तुरंत आपको जवाब देना है। पहले क्या करना चाहिए आदमी को, धर्म या कर्म? कर्म। ओके, लेकिन आप तो धर्म कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहले कर्म किया है, कर्म को ही धर्म बनाया है। आपने अपने कर्म को ही धर्म बनाया है, लेकिन जिनका जो कर्म है वो कर्म को करें। आप पहले क्या करेंगे, आपके श्री गिरधर लाल जी की सेवा या समाज सेवा या अन्य गौ सेवा? समाज सेवा, लाल जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम धर्म अध्यात्म के प्रति जुड़े हैं तो हमारा हम धर्म अध्यात्म को ही करें, समाज सेवा भी वास्तव में बहुत आवश्यक है। और समाज सेवा का मतलब यह नहीं है कि आप क्या सेवा कर रहे हैं, सेवा का मतलब जो आवश्यक मंद हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी आप सेवा करते हैं। पहली सेवा किसकी करनी चाहिए, माँ पिता या भगवान की? माँ पिता, क्योंकि भगवान के रूप में तो शायद आप अपने एक ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, माँ पिता के रूप में साक्षात लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, युगल की सेवा है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है धर्म के साथ, राजनीति या व्यवसाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जगत पर? व्यवसाय, व्यवसाय हो रहा है। लोग धर्म का वास्तविक मूल नहीं समझते, उसका रूप नहीं समझ पा करके धर्म का प्रयोग केवल अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा करते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, नहीं, निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कि धर्म का अध्यात्म का कॉमर्शियलाइजेशन होना ठीक नहीं है। गौ सेवा के, गौ सेवकों के प्रति आपका क्या नजरिया है, सहजता या कट्टरता? सहजता, कट्टरता के रूप में तो फिर वो लोग उसको गलत रूप में ले लेते हैं ना, कि भाई ये तो क्या बोलते हैं, कौन सा दल बन जाता है, फिर बोले ये तो वो है दल विशेष। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि लोग शक करके कई गलत लोगों को भी पकड़ लेते हैं, बोले आप लोग गौ तस्करी कर रहे हैं आदि। वो सहजता होनी चाहिए गौ सेवा के प्रति भी। सहजता का मतलब क्या होता है, सहजता के मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी सहजता है। गौ सेवा सहजता में होनी चाहिए, कट्टरता में नहीं होनी चाहिए, आपके स्वभाव में होनी चाहिए। आप कट्टरता लानी पड़ती है, सहजता लानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। तो गौ सेवा आपके अंदर कट्टरता से नहीं होनी चाहिए, सहजता से होनी चाहिए।
कभी एक अवसर बना, संयोग बना, तो आप पहले क्या करेंगे, कथा करेंगे या अपने सिर्फ लाल जी की सेवा? कथा, एक लाल जी की सेवा नहीं, मैं हजारों लाल जीओं की सेवा करूंगा कथा के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इन सभी सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाह रहे थे आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के माध्यम से, वह आप सबने जाना होगा। और मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आभार करूँगा आदरणीय श्री आचार्य जी का भी। ये कार्यक्रम स्पेशली गौरव प्रोडक्शन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आप इस कार्यक्रम को हमारे गौरव प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और गौरव प्रोडक्शन के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि ये डिवाइन आवर जहां हम संतों के साथ चर्चा करेंगे, धर्माचार्यों के साथ चर्चा करेंगे और जो समाज में बहुत सारी चर्चा है, बातचीत है, मेरा कुल मिला के एक दायित्व तो यही है, एक प्रयास यही है कि जो भ्रांतियां हैं इसको हम दूर करें और जो सवालात हैं जो बहुत सारे लोग पूछ नहीं पाते हैं आचार्य जी से, या इनकी भी व्यस्तता रहती है, आप जवाब नहीं दे पाते हो, सभी सवालात हम इनसे चर्चा करें, जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं श्री हरिवंश हृदय से आप सबका आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत जल्दी फिर हम मिलेंगे किन्हीं विशिष्ट धर्माचार्य के साथ, किसी ऐसे महापुरुषों के साथ, किन्हीं ऐसे स्पिरिचुअल गुरु के साथ जो आपके मन की जिज्ञासाओं को, आपके मन के सवालातों का आप जवाब दे सकेंगे। अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके या हमारे पर्सनली गौरव प्रोडक्शन के जीमेल पे या वेबसाइट पे आके प्लीज़ वहां आप बताएं, ताकि हम आपके सवालातों को अगले किन्हीं आपके साथ या किन्हीं भी विशिष्ट धर्माचार्यों के साथ हम जरूर पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।